सूरतगढ़ में बरसाती नदी घग्गर में आ रहे पानी को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी, पुलिस अधीक्षक पारिश देशमुख पहुंचे बहाव क्षेत्र का निरीक्षण करने। जिला कलेक्टर ने बंधों का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मौके पर एडीएम अरविंद जाखड़, एसडीएम संदीप कुमार आदि मौजूद रहे। नवभारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। नाली बेल्ट पे लगभग 5000 के करीब जो पानी लगभग आता है, जितना ही आने का संभावना है, तो उसके लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जहाँ पे भी बंदे अगर थोड़े ढीले हैं, जो पैरेलल में जो बंदे हैं, अगर वो थोड़े टूटे हुए हैं तो उनको सही कर लिया जाए। कहीं पे पानी रुक रहा है, कहीं पे केली जमा है तो उसको साफ कर दिया जाए। कोई पुल्स हैं अगर ऐसे जो कि जिनकी इंटीग्रिटी के ऊपर अगर इसको डाउट है तो PWD से उनकी भी रिपोर्ट ले ली गई है। आगे अनूपगढ़ तक अभी जाएंगे, जहाँ से पानी एस्केप होगा पाकिस्तान तक, वहाँ पे एक बार निरीक्षण ये करके देखेंगे कि अगर कहीं पे कोई आबादी आ रही है, कहीं पे कोई अगर लोग बसे हुए हैं तो एक बार उनको भी सावधान कर दिया जाए। समस्त ग्राम सेवकों को, सरपंचों को ये बोल दिया गया है कि आप लोग अलर्ट रहें। पानी वैसे हर साल आता है, इस साल भी आने की उम्मीद है। अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो भी आप लोग अलर्ट रहें, और कोई भी अगर निचले क्षेत्रों में अगर बसे हुए हैं लोग तो वो एक बार